नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, प्रदेश के बजट को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह देश का परिपूर्ण बजट है, मध्य प्रदेश को नए आयाम और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला बजट है। हर वर्ग के कल्याण को सत्यापित करके परिपूर्णता के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, किसान, महिला, सभी का इस बजट में ध्यान रखा गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बजट में भाजपा और कांग्रेस की सरकार की मानसिकता का अंतर परिलक्षित होता है। कमलनाथ सरकार के बजट में मंत्रियों और अपने लिए जेट हवाई जहाज खरीदने का प्रावधान किया गया था, लेकिन शिवराज सरकार ने अपने बजट में गरीबों को तीर्थ दर्शन के लिए हवाई जहाज से यात्रा कराने का निर्णय लिया है। देश का परिपूर्ण बजट मध्य प्रदेश को नए आयाम देने वाला, आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने वाला ये बजट, हर वर्ग के कल्याण को समाहित करके परिपूर्णता के साथ आज बजट प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, खेत हो, खलिहान हो, हर वर्ग के कल्याण का ये बजट है। और इस बजट में अलग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार की मानसिकता का अंतर परिलक्षित होता है। कमलनाथ जी की मानसिकता और शिवराज सिंह चौहान जी की मानसिकता का परिवर्तन परिलक्षित होता है। कमलनाथ जी की बजट की सरकार के बजट में कमलनाथ जी के उपयोग और मंत्रियों के उपयोग के लिए जेट हवाई जहाज खरीदने का प्रावधान था। शिवराज जी की सरकार के बजट में गरीब को तीर्थ दर्शन के लिए हवाई जहाज का प्रावधान है। ये अंतर है, वो खुद के लिए जेट हवाई जहाज खरीद रहे थे, हमने गरीब को तीर्थ के लिए हवाई जहाज का प्रावधान किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना के माध्यम से 1,000 रुपये महिला को देने का प्रावधान था। कमलनाथ जी आईफा अवार्ड आयोजित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शिता की और सुशासन की स्थापना के लिए करोड़ों रुपए के प्रावधान का ये बजट है। और कांग्रेस के समय, कमलनाथ जी के समय मध्य प्रदेश में एक समानांतर भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था स्थापित करने वाला वो बजट था। भारतीय जनता पार्टी का ये बजट मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयां देगा और लाडली बहना योजना दुनिया के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए एक मॉडल साबित होगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।